वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों को ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप लोग गेम एक्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को ई स्पोर्ट्स की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। तो हमारी फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है मवी को लेके। तो जो मवी है उनसे किसी ने बोला था कि आप जोनाथन के साथ खेलो, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा है, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। क्या हमें 2019-20 जैसे आप लोगों को साथ खेलते हुए देख सकते हैं क्या? अरे यार देखेंगे आगे जाके क्या होता है, पहले गेम आने दो। मैं तो कह ही सकता हूँ किसी के साथ, अपने को क्या दिक्कत है, अपने साथ किसी बंदे का को कोई लफड़ा नहीं है। जिसका लफड़ा है उसके साथ तुम दोबारा बोलते नहीं है। वैसे पहली बात है नहीं, वो किसी के साथ होगा तो दोबारा फिर हम दोबारा बोलते नहीं है उसके साथ। एक वन वर्ड फॉर जोनाथन। यार तुम मेरे से वर्ड क्यों लेते रहते हो, मैं कौन होता हूँ उसको वर्ड देने वाला। गुड गाय, मेहनत किया है, बढ़िया है, मेहनत रोका नहीं है मेन बात। एंड तक मेहनत करता गया करता गया करता गया तभी यहाँ तक आ गया ना। मैं भी जोनाथन के साथ गेम खेलो। यार पहली बात तो हमारा इतना रेगुलर कांटेक्ट नहीं है ना भाई कि मैं उसको सीधा बोल दूं क्या जा गेम खेलते हैं वो, तो हमारा कांटेक्ट नहीं है उतना। पहले हुआ करता था एक टाइम पे, तब तो वी वर वेरी 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 गुड फ्रेंड्स। पीएम वो हुआ था एक हैदराबाद टूर्नामेंट, पता नहीं पीएम एएस था कौन सा तब तक, उसके बाद थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया। एंड इसके बाद काफी लोग उनको ये भी बोल रहे थे कि आप न्यू टीम ज्वाइन कर सकते हो एसटीएल को छोड़ के, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा। एंड काफी लोग उनको ये भी बोल रहे थे रेगन स्नेक्स के साथ कॉम्पी खेलो, तो इस चीज पे भी उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। एसटीएल में रहकर दूसरी और ज्वाइन कर सकते हो क्या फॉर ईस्पोर्ट्स? जब कोई स्पोर्ट्स और स्पॉन्सर करेगी तब देखेंगे, जब कोई स्पॉन्सर आएगा उसके टाइम उसके बाद डिस्कस करेंगे। वैसे कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्नेक भी था एसटीएल में नहीं था, बट कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं होता यार। एसटीएल तो कंटेंट है, गाड़ी का कवर ट्राई स्नेक्स एंड रहेगा, दोनों के साथ ट्राई कर तो चुके हैं और कितनी बार ट्राई करें यार। रहेगा कॉम्पी खेलता नहीं है, स्नैक्स के हम ट्राई कर लेते हैं। इसके बाद हमारे को 8-bit NINS की फाइट देखने को मिली, जिसमें जो कर है वो फिनिश कर देते हैं अल्ट्रॉन को। एंड इसके बाद जो अल्ट्रॉन है वो एब्यूज कर देते हैं जोकर को। एंड इस चीज के ऊपर जो जोकर है वो एक स्टोरी लगाते हैं, तो सबसे पहले अल्ट्रॉन की वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। पानी में रुक, इनको मारूंगा रुक जा जाकर। ए जोकर तेरी मां की छूत, बैंड के लौड़े दादा हुआ है ना बैंड, जो बुड्ढे रिटायर्ड प्लेयर। चलो रे स्ट्रीम बंद कर रहा हूं। इसके बाद जो जो करें वो रिप्लाई करते हुए स्टोरी लगाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं मी एंड माय टीममेट नेवर अब्यूज दिस गाय अल्ट्रॉन ओपी, इवन हम किसी भी टीम को अब्यूज या डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। देन व्हाट यू थिंक यू आर बीइंग अ इन्फ्लुएंसर एंड स्ट्रीमर, दैट्स नॉट गुड। कि तुम स्ट्रीम पे कुछ भी बोल दो, थोड़ी मैच्योरिटी रख लो, बच्चे तो नहीं हो तुम। इफ यू गॉट ऑडियंस एंड सपोर्ट दैट डजंट मीन कि तुम गॉड हो गए हो, सोच समझ के बोला करो थोड़ा। और किसी प्लेयर को डेड बोलने से पहले ये देख लो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो अभी कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में। एंड उनकी स्टोरी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पे आप लोगों के क्या व्यूज हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इसके बाद जो डायनो में उन्होंने रिप्लाई किया था BGMI के कमबैक पे, एंड उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। गेम कब आ रहा, कुछ अपडेट दे दो भाई। जय भाई, गेम का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है ब्रो, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। आने को तो वो कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है। इसके बाद जो रूशी सर है उन्होंने बात करी थी रेवेनेंट की वीडियो के बारे में, जो कि उन्होंने एक बेंटर वीडियो बनाई थी। एंड इस चीज को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था, उन्होंने क्या कुछ बोला वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। Why don't G post memes on Twitter? We're not really a meme type of org. I'm not really like I enjoy memes, but I enjoy something that's good and fun. I don't relish in roasting other people. I relish in boosting other people up. So maybe that's why. Like, मुझे लोगों को बढ़ावा देके खुशी मिलती है, ना ही कि उनको खींच के, even if it's for entertainment. I'm not saying it's a bad thing to do. Like, even the whole Revenant thing was blown way out of proportion. Like, everyone knew what was happening. जो पूरा RNT का वीडियो था, उन्होंने Nordwin से बात कर ली थी, उन्होंने Riot से बात कर ली थी, they had spoken to all the teams. In fact, Godlike का jersey, Godlike वालों ने दिया था. Like, everyone was a sport about it. There was nothing that was disrespectful. It's just that I am not that kind of person. I don't enjoy that kind of things, if you know what I'm saying. Like, there's nothing wrong in it. It was a great video.
I even messaged Rohit and said it was a great video. बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।